नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। किसान न्याय योजना की होगी अब तीसरी किस्त जारी। किसानों को तीसरी किस्त देने के लिए 1000 करोड़ खर्च लेगी सरकार। बिलासपुर में सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई गुत्थी। जांजगीर में कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भिड़े, जमकर हुई मारपीट, गाली गलौज और हंगामा। पुलिस ने कराया मामला शांत। 9 लड़कियों का राष्ट्रीय हॉकी कैंप में चयन। नक्सल क्षेत्रों की लड़कियों का हॉकी में चयन। हेलीपैड पर मैदान बनाकर की थी प्रैक्टिस। कोरिया में सेल्फी लेने के दौरान वाटरफॉल में डूबा नाबालिग, 24 घंटों बाद मिला शव। पोस्टमार्टम के लिए जनकपुर भेजा गया शव। दुर्ग में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। रात के अंधेरे में कर रहे अवैध रेत परिवहन। खनिज विभाग के अधिकारी भी नहीं उठाते फोन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महासमुंद से बड़ी खबर आपको बताते हैं, पुल के नीचे मिला युवक का शव। महासमुंद से बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर पुल के नीचे युवक का शव मिला है। 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था युवक। महासमुंद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सिरपुर और सिरबोड़ा के पास नाले में मिला है शव। बलोदा चौकी क्षेत्र की यह पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं। पुल के नीचे मिला युवक का शव। 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था युवक। सिरपुर और सिरबोड़ा के पास की यह घटना। पुल के नीचे मिला युवक का शव। 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था युवक। सिरपुर और सिरबोड़ा के पास नाले में यह शव मिला है। बलौदा चौकी क्षेत्र की यह पूरी घटना। महासमुंद से खबर आपको बता रहे हैं, पुल के नीचे मिला युवक का शव। रायगढ़ कलेक्टर के निर्देशन पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर आवश्यक सेवा का संचालन की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें, रायगढ़ में कोरोना संक्रमण अत्यधिक, ऐसे में लॉकडाउन जारी किया गया था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब कलेक्टर द्वारा एक विशेष निर्देश जारी किया गया है, जिसमें आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई है और आवश्यक कार्यों के लिए भी समय अवधि तय करके संचालन की अनुमति दी गई थी। ऐसे में शहर में कुछ ऐसे भी प्रतिष्ठान हैं जहां बगैर अनुमति और अवैध रूप से प्रतिष्ठानों का संचालन किया जाता है। इसी संबंध में नायब तहसीलदार का जबरदस्त छापा कई जगहों पर पड़ चुका है, उसके बावजूद भी लोगों पर इसका खौफ नहीं देखने को मिल रहा। लोग अपनी दुकान अवैध रूप से खोल रहे हैं। ऐसे में नायब तहसीलदार द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई करने से लोगों में थोड़ी सावधानी बढ़ गई है। केवल कुछ जो आवश्यक गतिविधियां हैं उसी के संचालन की अनुमति दी गई थी। कल जब हम सुबह से निरीक्षण कर रहे थे तो पता चला था, एक तो जगह पे राशन की दुकान है वो खुली हुई थी और वो भी राशन वगैरह दे रहे थे और ज़्यादा रेट पे दे रहे थे, तो उनके जो सामान है वो जब्ती की गई थी। 1000 रुपये का चालान काटा गया है उनका। दूसरी बार कल जब शाम को भी हम निरीक्षण कर रहे थे तो पता चला था कि संबंधित होटल पे मतलब बाहर से ही सामान वगैरह दिया जा रहा था, तो उनका भी 1000 रुपये का चालान काटा गया है उसको से। जांजगीर में कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट, गाली गलौज और हंगामा जमकर हुआ। दरअसल हाथरस कांड को लेकर के जांजगीर में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा मौन प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी प्रारंभ कर दी, अपशब्द भी कहे, जिसके बाद माहौल गर्मा गया।
आपत्ति दर्ज कराने के बाद दोनों संगठन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट, गाली गलौज और हंगामा देखने को मिला। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं को अलग करवाया और समझा बुझा करके रवाना किया। इस घटना के बाद फिलहाल जांजगीर में माहौल गरमाया हुआ है। के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के धूपगढ़ी गांव की जो मासूम बेटी मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार कर उसकी हत्या की गई, और उस हत्या में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लीपापोती करने का प्रयास किया, जब से हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं धरने में तब से लेकर के लगातार 2-3 घंटे तक लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। जो हथरस में घटना हुई है, ये घटना पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और ये घटना और भी हुई है, लोगों का कहना है कि घटनाएं तो और भी हुई है, लेकिन ये इतना बवाल इसमें क्यों हो रहा है, ये सोच है, स्वाभाविक है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि अभी ये जो घटना हुई, 4 लोग दोषी तो थे, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो माँ है, उसकी माँ रोती रही, उसकी बच्ची को उसको देखने के लिए नहीं दिया गया, और वहाँ पे जो षड्यंत्र पूर्वक जो जलाया गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ज्ञापन दिया गया है, आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जो मांग है और जो ज्ञापन है उसे शासन स्तर पर अवगत कराया जाएगा और समाप्त कर दी। अभी मैं भी यहाँ मौके पर उपस्थित थी, कुछ हुज्जतबाजी हुई, उसकी जाँच करते हैं, जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई। बलासपुर के चुलहाटी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात को सरकंडा पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा लिया। सोमवार की सुबह चुलहाटी क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपी ने पति पत्नी पर धारदार हथियार से वार करके पति को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही साथ उसकी पत्नी पर भी जानलेवा हमला कर दिया था, उसे गंभीर रूप से घायल किया था। इस हत्याकांड के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। वहीं लोग इस घटना को जानने आतुर थे कि आखिर किसने इस हत्या को अंजाम दिया है। इस दौरान पुलिस भी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, और आखिरकार सरकंडा पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हो गई है। दरअसल ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका के भतीजे हैं, जो अपने चाचा के रोक टोक से आक्रोशित थे। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। में प्रातः आज प्रातः सूचना मिली थी, एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और उसकी पत्नी को भी हमला करके घायल कर दिया गया है। उसमें सरकंडा पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किया और मृतक तीरथराम यादव 30 वर्षीय हैं, उनके जो भतीजे हैं उनके द्वारा उस पर हमला किया गया था। और कारण ये सामने आया कि वो अपने भतीजे को गलत काम करने से रोकता था। वो गलत काम आता है कि शराब पीने या घूमने, आवारागर्दी करने, इस टाइप की हरकतों के लिए उसको मना करता था। हाँ, दरअसल मामले में पूरे देश भर में लोगों में गुस्सा दिख रहा है। ऐसे में लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिला कोरबा के बाती मोंगरा मेन चौक में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई गैंगरेप हत्या की घटना को तीव्र निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश को सभी लोग एक स्वर में आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही साथ न्याय की गुहार लगाई जा रही है। मृतका एवं उसके परिवार जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं सब यहाँ पर बांकी मेन चौक में एकत्रित हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो हमारी मनीषा वाल्मीकि नाम की एक जो लड़की है, जिसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार और साथ ही गैंग रेप किया गया, और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती उसके मृत शरीर को जला दिया गया, जिसके न्याय की मांग के लिए आज हम सभी युवा साथी मल्लू भैया के नेतृत्व में आज बांकी मेन चौक में ये कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, और युवा कांग्रेस की ओर से भी। तो इसलिए आज हम न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध रेत परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा। रेत माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि राजिम से लेकर के दुर्ग जिले तक बगैर किसी चेकिंग के अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है। ऐसा ही मामला एक सामने आया जब के न्यूज इंडिया के संवाददाता दो हाईवा गाड़ियों को रोककर उनके ड्राइवरों से रॉयल्टी पर्ची दिखाने की बात करते हैं तो कांग्रेस के बड़े नेता का नाम लेकर के धौंस जमाने की कोशिश की जाती है, जिसकी गंभीरता से पूछताछ करने पर इनके द्वारा राजिम से लेकर दुर्ग तक बगैर रॉयल्टी पर्ची के परिवहन करते बात स्वीकार की गई है। गाड़ियों के मालिक से बात करने पर दुर्ग के कांग्रेसी पार्षद के चाचा किशोर जैन का रौब भी झाड़ा गया था। प्रदेश के मंत्रियों के साथ काफी अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। इस मामले में के न्यूज इंडिया ने खनिज विभाग के अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए तो किसी ने भी फोन उठाना उचित नहीं समझा, जिससे ये बात उजागर होती है कि इस अवैध रेत परिवहन में कहीं ना कहीं मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ तक कैसे आ गया, मतलब पूरे रास्ते में रोक टोक करने वाला नहीं है? नहीं। तो यही माल यही खाली होना है दिन रोचा कितना यहाँ पे ट्रिप लेके आते हो? नहीं आज ही आया ट्रिप। एक कहाँ निवास कहाँ है आपका? मेरा मालिक कौन है गाड़ी का? किशोर जाए। किशोर जाए। एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान के तहत जिला प्रशासन और नगर के समाज सेवी द्वारा एकजुट होकर के युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। कोरोना की करो पहचान, जांच से होगा जीवन आसान की जागरूकता से लोगों को संदेश दिया जा रहा है। आपको बताते चले राजनांदगांव जिले में एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत निःशुल्क मेगा कोरोना जांच शिविर का आयोजन नगर निगम राजनांदगांव के सभी 51 वार्डों में लिया गया है। आपको बताते चले ये शिविर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर के समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा एकजुट होकर के युद्ध स्तर पर नागरिकों को करीब निःशुल्क मेगा कोरोना जांच के लिए शिविर 41 सेंटर तैयार किए गए हैं। आज राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में एक अभियान के रूप में हम लोग जितने सिम्टोमेटिक लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं या जिसको और कोई अन्य बीमारियां हैं, जिसको सर्दी खांसी बुखार है, उनका सैंपल लेने के लिए पूरे नगर निगम सीमा में 41 स्थानों पर कैंप लगाया गया है। स्वयंसेवी संस्थाएँ, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग और हमारे शासकीय विभाग के स्वास्थ्य है, महिला बाल विकास है, राजस्व विभाग है, नगर निगम है, सभी लोग संयुक्त रूप से इसमें लगे हैं। रायगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायगढ़ जिला में हाल ही में लॉकडाउन लगाया गया था। अब ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए एवं संक्रमित मरीजों की पहचान कराने के लिए रायगढ़ जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों को अपनी जांच करवानी है। जिस किसी को भी थोड़ा बहुत लक्षण दिखे वह अपना जांच करवा सकता है, अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार रोकने का प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पूरे जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी लोगों की जाँच करवाई जाएगी। जाके सर्वे किया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मितान ANM के द्वारा, जिसमें सिम्टोमेटिक लोग हैं जिसको कोरोना से रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो उनका सर्वे किया जाएगा और सबका टेस्टिंग किया जाएगा, एंटीजन टेस्टिंग किया जाएगा पहले, और जो नेगेटिव में से उसका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। और इसमें मेरे सभी लोगों से यही कहना है कि सभी लोगों को सिम्टम्स को छुपाना नहीं है, बल्कि जब टीम आती है उसको बताना है। हाथरस में गैंगरेप और हत्या मामले में पूरे देश पर में आक्रोश है, तो वहीं पूरे देश में सभी लोग एक स्वर में आक्रोश और जगह जगह प्रदर्शन के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में महापौर ने यूपी सरकार के खिलाफ तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही साथ पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की गई है। एक मिनट अखिलेश भैया,
अभी कुछ दिन पूर्व यूपी के हाथरस में जो बलात्कार की घटना हुई है उसी के संबंध में यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अलग अलग दो ज्ञापन सौंपे गए हैं। एट्रोसिटी के एक्ट के तहत अभियुक्तों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए और यूपी में जो गवर्नमेंट है उसको तत्काल बर्खास्त करने के लिए आग्रह किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के ऊपर जिस तरह से रेप कांड हुआ उसके साथ साथ उनको शारीरिक प्रताड़ना दी गई और उसके शरीर को जिस तरह का योगी सरकार के द्वारा चोरी छुपे जिनका दाह संस्कार किया जो हिंदू संस्कृति के विपरीत था। संस्कार तो किया लेकिन योगी सरकार ने अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया। प्रदेश के श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया के द्वारा दिए गए रेप मामले में विवादित बयान को लेकर जांजगीर चांपा जिला में भाजयुमो कार्यकर्ताओं सड़क पर उतर आए हैं। नगर के कचहरी चौक में शाम 4 बजे भाजयुमो जिला अध्यक्ष की अगुवाई में मंत्री के बयान को और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ राज्य सरकार का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया। पुतला दहन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर छीना झपटी देखने को मिली। भाजयुमो कार्यकर्ताओं से पुतला छीन कर झपटी की कार्रवाई करी गई है। छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसी तारतम्य में जांजगीर के कचहरी चौक पर हम लोगों ने पुतला दहन किया है, प्रयास किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, आपके मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ की बहु बेटियों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में अपने ही भाई के बेटी से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया, जहां बच्ची के बड़े पिता ने ही छेड़खानी कर 2 साल से उसे प्रताड़ित कर रहा है। दरअसल किशोरी की मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, बेटी को मामा के घर भेज दिया था पढ़ाई के लिए। 13 वर्षीय किशोरी अपने बड़े पापा तेज राम के घर रहने लगी। इस दौरान बड़े पापा तेज राम यादव की नजर अपनी भतीजी पर बिगड़ गई। बड़े पापा की हरकत से परेशान 13 वर्षीय किशोरी ने यह बात अपनी सहेली को बताई तो उसकी सहेली शिकायत करने सरकंडा थाने पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशिक्षु डीएसपी ललिता मेहर ने संज्ञान लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। में सरकंडा थाने क्षेत्र में रहने वाली एक 13 साल की बच्ची के साथ में हमें खबर मिली कि उसके ही परिवार के उसके बड़े पापा के द्वारा 2 सालों से छेड़खानी की जा रही थी और बच्ची को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जैसे ही हमें सूचना मिली तत्काल इसकी संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया गया और उनके दिशा निर्देश पर आरोपी की पतासाजी करके आरोपी को गिरफ्तार करके उसको न्यायालय में भेज दिया गया है। इसमें पॉक्सो की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया, साथ ही 354 और 354 ए बी आईपीसी के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया है। आरोपी तेजराम यादव का नाम का व्यक्ति है। दंतेवाड़ा में हाथरस की घटना के संबंध में एसटीएससी ओबीसी समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा को ज्ञापन सौंपा और मृत बेटी की जयस्तंभ चौक में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं ज्ञापन देते हुए सर्व समाज ने कहा कि बेटियों के साथ अत्याचार को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने हैं, जिसके लिए सभी समाज के लोग आगे आकर के लड़ाई लड़ेंगे। हाथरस कांड में जो बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ अमानवीय और निशंस घटना हुआ है
76 हुआ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई और उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीप काट दिया गया। इस निशंस घटना के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम माननीय जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने आए थे ताकि ऐसे दुष्कर्मकारी करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा हो, उनको मृत्युदंड मिले। ये मांग को लेकर आज दंतेवाड़ा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग आज श्री माननीय कलेक्टर महोदय के पास महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने आए। बलरामपुर जिला अस्पताल जो निरंतर लापरवाही और अति संवेदनशीलता का परिचय देता है, जहां एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण जिला अस्पताल में एक साधारण घाव की सर्जरी के लिए आई एक साल की बच्ची को जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर करने की जगह रामा अनुगंज रेफर कर दिया गया। रामा अनुजगंज में जब बच्ची को उसके परिजन लेकर गए तो डॉक्टर ने उस बच्ची को अपने प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कर लिया और एक इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो जाती। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्ची को डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया जिससे उस बच्ची की मौत हुई है और इस मामले में जिले के सीएमएचओ साहब का कहना है कि मामला संज्ञान में मिला है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, इस मामले की जांच करवाई जाएगी। तो मेरे बच्चे का इलाज के लिए मैं आया था 21 तारीख को। इलाज के दौरान दवाई दिए थे डॉक्टर साहब और इलाज डॉक्टर था बुरा हो गया। सबसे पहले तो मैं लिया था डॉक्टर के पास करवा रहा था, फिर डॉक्टर बोले कि नहीं रामानुगंज डॉक्टर रमेश कुमार के पास। हाँ, मेरे साथ घटना हुई है, एक बच्ची के घाव हो गया था, उसको जिला हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लाए थे। बच्चा डॉक्टर लीलाधर जी हैं। लीलाधर को जब दिखाया गया तो ऑपरेशन के नौबत आया तो सर्जन डॉक्टर को कहे रमेश कुमार को। रमेश कुमार से जब बात हुआ तो बोले कि आप रामानुगंज लेके आ जाइए। ये बच्चे को गार्जियन को हॉस्पिटल में ना ले जाकर अपने क्लिनिक में स्वयं इंजेक्शन लगाया। ऑपरेशन करने के लिए इंजेक्शन जब लगाया तो बच्चे का हालत बिगड़ने लगा। तो तत्काल आनंद थाना में अपने गाड़ी में बिठाया, वहाँ हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद बच्चे का दम तोड़ दिया। मैंने संज्ञान में एक रामानुजगंज की घटना आई थी कि एक साल की बच्ची किसी प्राइवेट क्लिनिक में निधन हुआ है और उसके बाद ब्रॉड डेट सीएससी में। तो अपन से जैसे ही अपन को संज्ञान में आया, संबंधित डीएमओ को मैंने वहाँ से इसके संबंध में कुछ जानकारी मांगी, जाँच करके प्रारंभिक रिपोर्ट भेजने के लिए बोला है। उसके बाद ही अपन इस बारे में उचित कार्रवाई करेंगे। इस संबंधित चेक है कि अपन ने एक टीम के द्वारा, डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम कराई है ताकि जो उचित वास्तविक कारण जो है पता चल सके। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।